हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है पनीर कोफ्ता करी तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है ये और इसे हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो पनीर कोफ़्ता करी है उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए पनीर जिसे हमने ग्रेट कर लिया है फिर हमें चाहिए खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी इलायची लौंग फिर टमाटर अदरक हरी मिर्च दूध ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम मगज़ और किशमिश और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे थोड़े से उबले हुए आलू लगभग दो से तीन और फिर हमें चाहिए होंगे सूखे मसाले जैसे कि हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर गरम मसाला तो और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा मिल्क पाउडर तो मिल्क पाउडर या खोया जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं तो इन्हीं सब इन्ग्रीडियन से हम ये जो पनीर कोफ़्ता करी है वो हम बनाएंगे तो बहुत ही रिच आ, स्पाइसी और टेस्टी ये करी बनेगी और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उसकी जो डिटेल्ड क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा तो पनीर कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो पनीर का कोफ्ता है उसे हम बना लेंगे तो उसके लिए उसका हमें एक मिक्सचर बनाना होगा तो सबसे पहले हम एक बोल में जो उबले हुए आलू हैं उन्हें ले लेंगे और उसे चम्मच की मदद से या हाथ से हम उसे मैश कर लेंगे उसका भरता बना लेंगे तो आप आलू ले लें और उसे दो से तीन विसल आने तक उसे आप प्रेशर कुक कर सकते हैं नहीं तो आप ऐसे उसे बॉईल कर सकते हैं तो इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे फिर हम इसमें जो पनीर है जिसे हमने ग्रेट किया था या क्रम्बल कर लिया था उसे हम इन मैश किए हुए आलू में हम उसे मिला लेंगे तो आलू और पनीर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आ, मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और एक होमोजेनियस मिक्सचर इसका बन जाए तो बेसिकली आलू हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हम इन कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे तो ये बाइंडिंग में मदद करेंगे तो आलू जो है वो बाइंडिंग में बहुत ही अच्छा मदद करता है तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिखर कर टूटेंगे नहीं तो आलू और पनीर के मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो अब हम इन आलू और पनीर के मिक्सचर में दूसरी चीज़ें डालेंगे सबसे पहले सूखे मसाले हमने डाला लाल मिर्च पाउडर फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए काजू और बादाम और थोड़ा सा मगज और फिर हम इसमें डालेंगे किशमिश तो ड्राई फ्रूट्स डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा मैदा भी डालेंगे ताकि एक बॉडी एक टेक्सचर इसको मिले और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी जो आउटर लेयर है वो एकदम क्रिस्पी बन जाए तो आप चाहें तो आ, सूजी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप मैदा ही यूज़ करें तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स सूखे मसाले और मैदा सब कुछ डाल दिया है तो फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तीन से चार मिनट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सभी चीज़ें एक साथ आ जाएं और एक यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इसका बन जाए और सारे मसाले मसालों का फ्लेवर इन कोफ्तों में कोफ्तों के मिक्सचर में अच्छी तरह से आ जाए तो दोस्तों हमारा जो कोफ्ते का मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो गया है तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे जिसे हमने डीप फ्राई करना है ऑयल में तो इसके आप छोटे छोटे मीडियम साइज़ बॉल्स बना लें और फिर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो दोस्तों अब हम जो पनीर के जो कोफ्ते हैं पनीर आलू के जो कोफ्ते हमने बनाए थे उन्हें अब ऑयल में डीप फ्राई करेंगे तो इसके लिए हम एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लेंगे और फिर हम इनमें जो कोफ्ते पनीर और आलू के जो बॉल्स हैं जिन्हें हमने बनाए थे वो हम इसमें डाल लेंगे तो यहाँ ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है और फ्लेम भी आप मीडियम पे रखें ज़्यादा हाई ऑयल का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए तो एकदम मीडियम टेम्परेचर पे हमें इसे क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक सभी साइड से हमें इन्हें फ्राई करना है और मिनट मिनट पे हमें इन्हें पलटते भी रहना है तो अब हम इन्हें क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे कोफ्ते हैं इनमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है लेकिन यह अभी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुई हैं तो हम इन्हें और फ्राई करेंगे और इन्हें कंटिन्यूसली पलटते रहेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर आप मीडियम पे रखें और इन्हें आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहें और इन्हें पलटते रहें तो दोस्तों हमारे जो कोफ्ते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लिया है सभी साइड से और एकदम क्रिस्प हो गई हैं तो अब हम इन्हें ध्यान से ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे तो लगभग इसमें तीन से चार या पाँच मिनट लग सकते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम क्रिस्प हो जानी चाहिए और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ जाना चाहिए तो अब हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तों अब हम जो ग्रेवी है या करी है वो हम बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हींग खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग और फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अदरक और हरी मिर्चें। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो जाए तो हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो सभी चीज़ों को ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं काजू बादाम और मगज़ उन्हें हम अच्छी तरह से आ, उन्हें मैश कर लेंगे और उनका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे और उसे हम ऑयल में सभी चीज़ों के साथ हम डाल लेंगे तो ड्राई फ्रूट से एक बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट इसमें आता है तो अब हम इन सभी चीज़ों को तीन से चार मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है और किसी भी करी में आप इन्हें यूज़ करेंगे तो उनका जो करी का टेस्ट है जो ग्रेवी है वो एकदम थिक बनेगी एकदम रिच बनेगी और काफ़ी टेस्टी ये हो जाएगी तो अब हम इसे दो से तीन मिनट हम सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और ऑयल का टेम्परेचर आप जो फ्लेम है गैस का उसे आप मीडियम और हाई के बीच में आप उसे चेंज करते रहें तो अब हम इसमें जो सूखे मसाले हैं वो हम डालेंगे सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर और फिर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर तो सभी सूखे मसाले जो हैं वो हम सब ने जो मसाले हम सबको हमने इसमें डाल लिया है तो अभी हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है लगभग सात से दस मिनट तक तो मसाले जले नहीं इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालकर इन्हें अच्छी तरह से फ़्राई करें तो मसालों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन्हें अच्छी तरह से फ़्राई नहीं करेंगी तो ये कच्ची रह जाएंगी और कच्चे मसालों का टेस्ट करी में एक बहुत ही और लगता है तो इन्हें आपको सात से दस मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है तो ज़्यादा पानी ना डालें बस पानी के छींटे आप इसमें डालते रहें ताकि मसाले नीचे चिपक कर जले नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इन्हें सात से दस मिनट तक मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में फ्लेम को चेंज करते हुए आपको इन्हें फ्राई करना है तो थोड़ी देर इन मसालों के मिक्सचर को ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें जो टमाटर है वो हम इसमें चॉप करके डालेंगे तो टमाटर डालने से एक खट्टा टेस्ट टैंगी फ्लेवर इसमें आता है और बहुत ही अच्छा लगता है ग्रेवी में तो टमाटर डालने के बाद फिर हम इन्हें हल्का हल्का कर्ची की मदद से इन्हें हम मैश कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से टमाटर के गल जाने तक हमें इन्हें फ्राई करना है इन्हें अच्छी तरह से इन्हें मसालों के मिक्सचर के साथ कंबाइन कर लेना है तो अब हम टमाटर के गल जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमने इसमें अब तक नमक नहीं डाला हुआ है तो अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार हम इसमें डाल लेंगे तो नमक डालने से जो फ्राइंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा आ, स्पीड अप हो जाता है सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं उनका ऑयल और उनका जो वाटर है वाटर कंटेंट है वो भी रिलीज हो जाता है तो फिर से हम इन्हें फ्राई करेंगे अब देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो लगभग गल चुके हैं लेकिन हमें इन्हें और थोड़ा सा आ, कलाना है ताकि एक एक पेस्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो दोस्तों हमारा जो ग्रेवी का मिक्स है वो फ्राई हो रहा है अब हम इसमें जो मिल्क पाउडर हमने रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं तो खोया या मिल्क पाउडर जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल लें तो मिल्क पाउडर डालने से एक बहुत ही रिच और सटल स्वीट फ्लेवर इसमें आता है और ये काफ़ी रिच हो जाती है हमारी जो ग्रेवी तो मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध वो भी हम इसमें डाल लेंगे तो आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं दूध या क्रीम तो मैं यहाँ दूध यूज़ कर रहा हूँ तो इससे भी बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर इसमें आता है और एकदम क्रीमी रिच uh, फ्लेवर इसमें आ जाए एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी हमारी जो कोफ्ता करी है वो बन जाती है तो दूध डालने के बाद फिर हम इसे थोड़ी देर सिमर होने देंगे ताकि सभी चीज़ें जो मसाले हैं जो ड्राई फ्रूट्स है टमाटर दूध मिल्क पाउडर वो सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएं और एक बहुत ही अच्छा जो ग्रेवी का मिक्सचर है वो बनकर ना तैयार हो जाए तो दोस्तों हमारी जो ग्रेवी का मिक्सचर है वो पक रहा है अब हम इसमें थोड़े से किशमिश डालेंगे तो होल किशमिश आप ले लें और इसमें आप डालें जब किशमिश हमारे मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा ग्रेवी का टेस्ट हो जाता है तो किशमिश डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी हम इसमें डालेंगे हमने इसमें सभी तरह के जो फ्लेवर्स हैं उनका एलिमेंट्स हमने इसमें डाला है जैसे कि मसाले लाल मिर्च पाउडर हरी मिर्च और टमाटर खट्टा मीठा आ, तीखा तो मीठे को बैलेंस करने के लिए हम इसमें हल्की सी थोड़ा सा चीनी हम इसमें डालेंगे तो इससे सभी जो फ्लेवर्स हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगभग सात से दस मिनट तक इसे कुक होने देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और फिर हम इसमें जो कोफ्ते हमने बनाए थे वो हम इसमें डाल के इन सभी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेंगे तो ग्रेवी को अच्छी तरह से सात से दस मिनट पकाने के बाद जब हम इसमें थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ जाए फिर हम इसमें जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे पनीर आलू ड्राई फ्रूट्स और सभी मसालों के साथ वो हम इसमें एक एक करके डाल लेंगे तो कोफ्ते डालने के बाद फिर से हमें इसे पाँच से सात मिनट इसमें कुक करना है ताकि जितना भी ग्रेवी है जो मसालों का मिक्सचर है वो इन कोफ्तों में अच्छी तरह से चला जाए और इन ग्रेवी का मिक्सचर इस ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो इन कोफ्तों में आ जाए तो आप जो ग्रेवी है उसे आप चम्मच की मदद से इन कोफ्तों पर थोड़ा थोड़ा डाल लें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें भीग जाए और इनका फ़्लेवर जो है वो इसमें चला जाए तो फिर से हमें इसे पाँच से सात मिनट तक इन्हें इन कोफ्तों को इस ग्रेवी में सिमर होने देना है तो दोस्तों आ, हमारा जो पनीर कोफ्ता करी है वो लगभग बनकर रेडी हो गई है तो एकदम आखिर के स्टेज में हम इसमें गरम मसाला वो हम इसमें डालेंगे तो इसे आपको एकदम आखिर में डालना है तो गरम मसाला डालने के बाद फिर आप इस ग्रेवी को अच्छी तरह से थोड़ा सा स्टर कर लें ताकि गरम मसाला अच्छी तरह से इस ग्रेवी में घुल जाए मिक्स हो जाए और इसका फ़्लेवर इसमें आ जाए तो गरम मसाला डालने के बाद और तीन से चार मिनट आपको इसे पकाना है और हमारा जो पनीर कोफ्ता करी है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगा तो दोस्तों हमारा जो पनीर कोफ्ता करी है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो काफ़ी रिच क्रीमी स्पाइसी टेस्टी और डिलीशियस ये करी एकदम बनकर रेडी हो गई है तो इसे आप चाहें तो नॉर्मल स्टीम राइस के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ पूरी लूची, किसी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार